ठीक है, 3.2 प्रश्नावली पे आ गए आप। 3.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं आपको, और बोला है उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ग्राफ भी बनाना है उसका, ठीक है ना। तो ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले ये इसमें दो सवाल दिए हैं, इसका पहला वाला लिखा है मैंने, ठीक है, दो सवाल हैं इसमें। पहला ये है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, कक्षा 10 में जो है कुल कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, गणित की एक प्रतियोगिता थी उसमें भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये शर्त है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या एक्स और वाई मान लेंगे हम, दो चर मानने हैं इसमें, दो चरों का रैखिक समीकरण है पाठ का नाम। तो देखिए, माना, यहाँ लिखेंगे माना लड़कों और लड़कियों की संख्या, संख्या एक्स तथा वाई है। मान लिया हमने लड़कों और लड़कियों की संख्या एक्स और वाई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी हैं, कुल 10 विद्यार्थी हैं, तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10, लड़के और लड़कियों दोनों की संख्या मिला के कितनी होगी, 10 होगी, 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिए आप, यहाँ लिखिए तथा। अब इसके बाद क्या लिखा है, देखिए यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है, देखो लड़कियों की संख्या वाई है, तो वाई बराबर लड़कों की संख्या कितनी, एक्स, और लड़कों की संख्या से ये 4 अधिक है, तो बराबर जब होगी, जब +4 इसमें लड़कों की संख्या में 4 जोड़ देंगे तब तो बराबर हो जाएगा, यहाँ बीच में बराबर का चिन्ह है इसीलिए, ठीक है। फिर से समझ लो इसको, क्या लिखा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या कितनी है वाई, ये लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब ये बराबर होगा, यहाँ ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दे, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 मान लो, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, विलोपन विधि से तो हल नहीं करना, हमें ग्राफ बनाना है। तो चलिए, अब ग्राफ ही निरूपण भी तो इसका करना पड़ेगा हमें, तो हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास एक्स प्लस वाई बराबर 10। अब हम इसमें मान लो x को उधर पहुंचाते हैं, तो क्या होगा, वाई बराबर 10 माइनस एक्स, देखो x को पक्षांतर कर रहे हैं, तो यहाँ प्लस का था तो माइनस का x हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो इसका मान रखेंगे, x बराबर, अगर x बराबर 4 रखो तो ठीक है 6 आ जाएगा, 10 में 4 गए 6, 5 भी रख सकते हैं, 5 रख लो, x बराबर 5 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 5 यानी कि 5, ठीक है। और x बराबर 6 रख दो तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर 4, x की ये मान रखा है। अब ये इसकी सारणी बना लो, सारणी आप बना लीजिए, सारणी इसकी बनेगी x और y, ठीक है। तो x का मान कितना, मान हमने रखा था 5, y का मान भी 5, x का मान 6 रखा, y का मान 4 आ गया, ये इसकी सारणी बन गई, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास है वाई बराबर एक्स प्लस 4, एक्स का मान यहाँ रख दो, देखो एक्स का मान आप छोटी यहाँ पे संख्या लो, जैसे कि 1 ले लो तो 5 आ जाएगा, 1 लिया तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4, 4 1 5, और एक्स बराबर 2 लेंगे तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4, 4 2 6, तो ठीक है, इसका इसकी भी सारणी बना लो, एक्स वाई
एक्स का मान 1 रखा, वाई का मान 5 आया। एक्स का मान 2 रखा, वाई का मान 6 आया। मान हम प्लस माइनस में भी ले, दोनों में ले सकते हैं, अभी हमें ज़रूरत ही नहीं, तो प्लस में ही रखें दोनों मान, ठीक है ना। ये सारणी बन गई है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सारणी 1 से बिंदु 5 5 6 4 तथा सारणी 2 से, सारणी 2 में क्या है, 1 5 तथा 2 6 को ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इन पॉइंट्स को, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ ग्राफ बना के बता दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं, इसको रफ कर देता हूँ। सारणी 1 के पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स वो प्लस में ही वैल्यू है, तो माइनस में वैल्यू नहीं, तो हम इस तरह से बना लेते हैं ना, जिससे ग्राफ थोड़ा सा यहाँ हमें स्पेस मिल जाएगा। माइनस में वैल्यू नहीं है, तो यहाँ 0 माइनस की जगह पे ऐसा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। प्लस वाली जगह स्पेस हमें मिल गया। अब यहाँ पर हमने 1 2 3 लिखना है, 1 2, ये बराबर दूरी ले लेना ग्राफ पर, 3 4 5 6 7 काफ़ी है। यहाँ एक्स अक्ष लिख देंगे, एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं, या वाई अक्ष, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बहुत है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारणी 1 में क्या था, बिंदु 5 5, तो x पे 5 देखिए, x ये अच्छे है, x पे 5 और y पे 5, 5 5। ग्राफ पेपर पे आपको इस तरह डॉटेड नहीं करना है, ग्राफ पेपर पे तो आपको सीधे सीधे ये बिंदु अंकित करना है, क्योंकि उसमें तो सारी लाइंस पहले से ही आपको मिल जाएंगी बनी हुई, ठीक है ना। ये हमारा 5 5 यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद क्या है, 6 4 बिंदु, x पे 6 ये है, y पे 4 ये है, तो y पे 4 और x पे 6, एक्स पे 6 के साथ यहाँ आते जाइए, तो ये आ जाएगा 6 4, एक्स पे 6 हो गया, वाई पे 4 हो गया, ठीक है ना। ये लाइन यहाँ पे हम खींचेंगे, एक तो एक लाइन खींच देते हैं, हम ब्लैक पेन से खींच देते हैं, ये तो मैं सिर्फ एक बता रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तभी सही क्लियरिटी आएगी, ठीक है ना। यहाँ तो बिना नाप के ऐसे ही बना रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे पॉइंट्स हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सारणी 2 के, क्या है, 1 5, एक्स पे तो 1 है, तो एक्स पे 1 यहाँ है और वाई पे 5 है, तो 5 देखिए, 1 इसकी सीध में आएंगे यहाँ 5 तक, तो 1 5। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा 2 6, तो 6, तो x पे 2 y पे 6, तो ये 2 ऊपर तक ले जाओ, 6 y पे 6 y पे 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 6, ठीक है ना। तो अब इस पॉइंट को मिलाएंगे हम आगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लाइन को थोड़ा और बढ़ा दें, क्योंकि ये लाइन जहाँ कट करेगी वही आंसर होगा। ये जो लाइन थी पहले, इस लाइन को हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं ऊपर, ठीक है ना। अब इस लाइन को, ये पॉइंट्स लाइन खींचेंगे, 2 6 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 6 इसको यहाँ मिटा देते हैं। अब ये पॉइंट्स से इस लाइन को जो ये कट कर रही है, वहाँ इसको काटेंगे हम और एक लाइन खींच देंगे ऐसे, इसे काटते हुए इस तरह से लाइन खींच देंगे हम, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये कट कर रही है ये पॉइंट, यही आंसर होता है।
लेकिन देखिए इसमें आंसर नहीं आ पाएगा, आंसर आएगा आपका ग्राफ पे, क्योंकि ग्राफ पे सही बन जाता है। फिर भी हम देखें तो ये देखिए क्या आ रहा है, एक्स पे किस सीध में आ रहा है, लगभग 3 की सीध में आ रहा है, और वाई पे देखें तो 606 की सीध में आएगा, 386। लेकिन ये ग्राफ पेपर पर ही सही बनेगा, अभी इस तरह का ही कोई डायग्राम आपका बन रहा है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ आप लिख सकते हो लड़कों की संख्या एक्स माननी थी, तो यहाँ लड़कों की संख्या इधर की तरफ और यहाँ लड़कियों की संख्या, ठीक है ना। और या फिर ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसका आंसर जो आया है वो 3 और 7 आया है, ये क्योंकि मैंने बोर्ड पे बनाया है, तो यहाँ पे जो है ग्राफ पे आप बनाओगे तो आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। आंसर लड़कों की संख्या ये कितनी आई है, 3 आई है, और लड़कियों की संख्या 7 आई, ये आंसर आया है, इसका आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 3 7 आ जाएगा, क्योंकि ये अभी इस पर बनाया है इसलिए क्लियरिटी नहीं आ रही है। ग्राफ पे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है ना। ठीक है फिर।